सिंस आपको अभी इनकम स्टेटमेंट अगर समझ गया होगा तो ये बेसिक फॉर्मूलाज कुछ समझेंगे जो हमें मेनली डिविडेंड लेसन जो हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए काम में आएंगे। सबसे पहला अर्निंग्स पर शेयर, ये बेसिकली ये अर्निंग्स पर शेयर ऑफ किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का। किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। इसको ही ईपीएस कहते हैं। क्या कहते हैं? ईपीएस। इसके लिए एक फॉर्मूला है। मुझे एक बात बोलो, चलो पहले मेरे साथ आप भी लिखना स्टार्ट करो। चलो करो, अर्निंग्स पर शेयर मतलब ही क्या? इक्विटी शेयर होल्डर का अर्निंग उनके हर एक शेयर के पीछे। उसका भी फॉर्मूला क्या होगा? मुझे एक बात बोलो, इक्विटी शेयर होल्डर्स का अर्निंग्स मतलब क्या? ये ईएसएच ना, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। बेसिकली कंपनी फाइनली अर्निंग्स इसके लिए अवेलेबल करा के दे रही है इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ईएसएच, अभी पर शेयर चाहिए ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सबको समझा? तो हमें पर शेयर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अर्निंग्स पर शेयर रुपीज के फॉर्म। सपोज कंपनी के पास, यहां पे ध्यान दो, 20 इक्विटी शेयर होल्डर्स है। कितने? 20। और कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को अर्निंग्स अवेलेबल करा के दे रही है 1000 रुपए। क्या आएगा आंसर? 1000/20। तो हर एक इक्विटी शेयर होल्डर को अपने एक शेयर के इन्वेस्टमेंट के पीछे कितने रुपए का अर्निंग्स मिल रहा है? कितना? 1000/20 कितना हुआ? 50 रुपए। सबको समझा? ऐसा उसका इंटरप्रिटेशन है। मीनिंग समझा क्या? अगला, डिविडेंड पर शेयर। इसका ही मतलब क्या होता है? इक्विटी डिविडेंड पर शेयर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। कि हर एक इक्विटी शेयर होल्डर को अपने एक शेयर के पीछे कितने रुपए का डिविडेंड मिल रहा है? कितने रुपए का डिविडेंड मिल रहा है? मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूं, मुझे मेरे मैंने एक शेयर लिया है, तो एक शेयर के पीछे मुझे कितने रुपए का क्या मिल रहा है कंपनी से? डिविडेंड। तो इसका फॉर्मूला बड़ा आसान है। जो भी इक्विटी डिविडेंड होगा जो कंपनी टोटल बांट रही है, डिवाइडेड बाय पर शेयर चाहिए ना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। सपोज कंपनी 500 रुपए का बांट रही है। कितने रुपए का? 500 रुपए। 500 रुपए का इक्विटी डिविडेंड है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने? 20। कितना हुआ फिर? तो हर एक इक्विटी शेयर होल्डर को उसके एक शेयर के पीछे कितने रुपए का डिविडेंड मिल रहा है? 25 रुपए का। आसान है फॉर्मूला ना, लॉजिकली समझो है क्या, सीधा रटो मत। सबको समझाया तक? शुड आई मूव अहेड? वो पहले वाले में अवेलेबल दिखते हैं और सेकंड में इतना दिया है। हाँ, ऐसा ही सब कुछ। ठीक है, क्योंकि देख एट द एंड ऑफ द डे ईएसएच है किसका? पूरा इक्विटी वाला, बट कंपनी पूरा उनको बांटती क्या? उसमें से कुछ कहा रखती है रिजर्व्स, इसलिए ये टोटल है, ये टोटल अप्रोच है। और ये उसमें से अगर कुछ डिविडेंड कंपनी ने किसको बांटा होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो कितना मिला? ठीक है, तो कंपनी ने इतना कमाया, उसमें से इतना किसको दे दिया?
इक्विटी शेयर होगा, क्लियर है। देन तीसरा, मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। जैसे हम शेयर मार्केट के ऐप पे देखते हैं ना कि एक शेयर की प्राइस अभी इतनी चालू है, वो कैसे समझता है? तो कंपनी का सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया जाता है, टोटल मार्केट वैल्यूएशन। क्या कैलकुलेट किया जाता है? टोटल मार्केट वैल्यूएशन, या उसको ही कहते हैं कैपिटलाइजेशन, या उसको ही क्या कहते हैं, कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। पर शेयर चाहिए ना, मार्केट कैप सुना होगा आपने, क्या सुना होगा, मार्केट कैप। बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, किसके, इक्विटी शेयर होल्डर, तो उसके हर एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है। अगर वो कंपनी से एक शेयर खरीदता है तो एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है, यूजुअली ये शेयर मार्केट ऐप पे विजिबल होता है रियल टाइम पे, होता है कि नहीं होता है। अगला, डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो, इसको डीपीआर कहते हैं। क्या कहते हैं, डीपीआर। मुझे एक बात बोलो, चलो पहले आप लिख लो फिर बोलता हूं। लिखा, मुझे एक बात बोलो, इनकम स्टेटमेंट हमने ऊपर देख लिया था ना, ये तो टेक्निकली ये जो डिविडेंड्स पे हो रहे हैं, दो इट प्रेफरेंस और दो इट इक्विटी, बराबर है, ये किसमें से पे हो रहे थे, आउट ऑफ अर्निंग्स, आउट ऑफ अर्निंग्स ओनली ना। अभी बात हो रही है इक्विटी की, किसकी बात हो रही है, इक्विटी। तो इक्विटी डिविडेंड किसमें से पे होता है, ये ESH, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी। तो बेसिकली कैन आई सिंपली से दिस, डिविडेंड्स आर गेटिंग पेड आउट ऑफ ESH, इक्विटी डिविडेंड इज गेटिंग पेड आउट ऑफ ESH, यस और नो, बोला तो चलेगा ऐसे, हाँ कि नहीं। तो अगर फॉर्मूला बनाना पड़े तो क्या बनेगा, इक्विटी डिविडेंड अपॉन ESH इनटू 100, यस और नो। पर यही पर शेयर के हिसाब से निकालना है, तो ईपीएस ने क्या आएगा, डीपीएस अपॉन ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय 100, डीपीएस डिवाइडेड बाय पर शेयर के हिसाब से, इसके हिसाब से देखो, अगर नॉर्मली बनाना पड़े तो कैसे आता है, इक्विटी डिविडेंड डिवाइडेड बाय ESH, रेट में निकालना है तो इनटू 100। यही अगर पर शेयर के हिसाब से है तो DPS out of EPS multiplied by 100। सबको समझा क्या, हाँ कि नहीं। बेसिकली ये ESH का कितना पोर्शन आपने बांट दिया है एज इक्विटी डिविडेंड, तो DPS out of EPS, डिविडेंड इज गेटिंग पेड, इक्विटी डिविडेंड इज गेटिंग पेड आउट ऑफ ESH, वही पर शेयर करना है तो DPS अपॉन EPS multiplied by। अगला, रिटेंशन रेशो, इसको स्मॉल बी भी कहते हैं, ये भी परसेंट में निकालते हैं। मुझे एक बात बोलो, सपोज ये ESH का 30% बांट दिया एज इक्विटी डिविडेंड, तो बचा कितना, 70%, वो रिटेंशन, वो क्या हो गया, रिटेन्ड अर्निंग्स बेसिकली, वो क्या हो गया, ये फॉर्मूला अगर मैं आपको नॉर्मली बोलूं तो क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स डिवाइडेड बाय ESH,
या फिर 100% माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। जैसे देखो 100 रुपए का ईएसएच है, चलो मैं आपको बोलता हूं पहले लिख लो, इनटू 100 है रेट के लिए, ठीक है। अभी सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, इनकम स्टेटमेंट की बात करते। देखो यहाँ पे मुझे अगर एक बात बोलो, ये क्वेश्चन से अगर मैं आपको पूछूं डिविडेंड पे आउट रेशो कितना था, करो तो डिविडेंड पे आउट रेशो 5/9.5 हो जाएगा ना, कितना हुआ 52.63। इतना अगर पे किया आपने तो बचा हुआ क्या होगा 47. ये क्या होगा रिटेंशन, ये रिटेंशन होगा ना, हाँ कि नहीं, यस और नो। तो बेसिकली आपने क्या किया 100% में से जितना आपने पे किया बचा हुआ आपने रिटेन किया, सबको समझा। अगला डिविडेंड रेट, डिविडेंड रेट, रेट ये वर्ड यूज होता है फेस वैल्यू के हिसाब से। रेट ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, फेस वैल्यू। हर एक इक्विटी शेयर का क्या होता है फेस वैल्यू, होता है कि नहीं होता है। तो इसका फॉर्मूला देखो, डीपीएस मतलब डिविडेंड पर शेयर, अभी पर शेयर के हिसाब से बात हो रही है, इज पेड एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, इज पेड एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। नहीं समझा, वापस सबको समझा क्या? फेस वैल्यू होता है जब तू शेयर्स इशू करता है तो उसकी ओरिजिनल प्राइस होती है, कि हर एक शेयर के पीछे तुझे 10 रुपए तो मिलने ही चाहिए, ये उसकी ओरिजिनल फेस वैल्यू, इट कैन नॉट बी लेस देन 1, बराबर है ना। अगर आपने पढ़ा होगा फेस वैल्यू यूजुअली 1 रुपए से नीचे होता नहीं, तो सपोज अभी वो 10 रुपए है, कितना है 10, तो सपोज डिविडेंड पे कर रहा है फिलहाल 4 रुपए पर शेयर, तो फेस वैल्यू का कितना परसेंटेज है, फेस वैल्यू सपोज 10 है तो ये 40% हो गया, कितना हो गया 40%। लाइकवाइज फेस वैल्यू को बेस पकड़ के तेरे को रेट निकाल, डिविडेंड रेट मतलब क्या, डीपीएस एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, कि तुम जो भी डिविडेंड पर शेयर पे कर रहे हो टू इक्विटी शेयर होल्डर वो फेस वैल्यू का कितना परसेंट है, वो फेस वैल्यू का कितना परसेंट है। तो जैसे यहाँ पे तू कितना पे कर रहा था 4 रुपए, वो फेस वैल्यू का कितना परसेंट है 40। सबको समझा यहां तक? नेक्स्ट डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड, अभी यील्ड ये वर्ड ना मार्केट में यूज होता है, कहां पे यूज होता है मार्केट, यील्ड मतलब आउटकम, यील्ड मतलब आउटकम ऐसा होता है बेसिकली। तो बेसिकली जो भी आप डिविडेंड पर शेयर पे कर रहे हो वो कितना परसेंट है ऑफ योर मार्केट प्राइस पर शेयर, सो डीपीएस एज अ परसेंटेज ऑफ एमपीएस, डीपीएस एज अ परसेंटेज ऑफ एमपीएस। सबको समझा क्या, यस और नो? रेट ये वर्ड फेस वैल्यू के इसमें यूज होता है और यील्ड ये वर्ड मार्केट में यूज होता है, याद रखो। तो डीपीएस एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, डीपीएस एज अ परसेंटेज ऑफ एमपीएस डिविडेंड यील्ड, और डिविडेंड रेट क्या होगा डीपीएस एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। अगला अर्निंग्स यील्ड, बेसिकली अर्निंग्स तुम्हारे मार्केट प्राइस पर शेयर का कितना परसेंट है, तो ये भी आप उस हिसाब से कर सकते हो, ईपीएस एज अ परसेंटेज ऑफ एमपीएस।
सबको समझ रहा है? रट्टा मत मारो, लॉजिक समझो। तो मैं रात को भी आपको पूछो तो आ जाना चाहिए, 2 बजे पूछो, ठीक है? चलो, 9th पीई रेशो, जिसको कहते हैं प्राइस अर्निंग रेशो। क्या कहते हैं? प्राइस अर्निंग रेशो। इसके ना प्रेजेंटेशन में इसका फॉर्मूला है, पी मतलब मार्केट प्राइस, ई मतलब ईपीएस। पी मतलब प्राइस मतलब मार्केट प्राइस, और ई मतलब ईपीएस। तो ये क्या हो गया फॉर्मूला? एमपीएस अपॉन ईपीएस। बेसिकली आप, और ये ना परसेंट में नहीं होता तो टाइम्स में होता है, यूजुअली किसमें होता है? टाइम्स। कि सपोज अभी कंपनी का मार्केट वैल्यू चालू है 150, शेयर मार्केट पे आपको वो कंपनी का एक शेयर कितने को दिख रहा है? 150, और वो इक्विटी वालों को पर शेयर अर्निंग्स दे रहे हैं लेट्स से 15, तो कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर इज 10 टाइम्स ऑफ इट्स ईपीएस। भी यूजुअली ये कितना टाइम्स होना चाहिए? तो 14 टाइम्स। ऐसा कहते हैं कि कंपनी का मार्केट प्राइस शुड बी 14 टाइम्स ऑफ इट्स अर्निंग्स पर शेयर, ऐसा कहते हैं, वो आइडियल माना जाता है। क्योंकि देखो कंपनी का मार्केट प्राइस मतलब आज तक के कर्मों का फल है, मार्केट वैल्यू, नेटवर्थ, ये आज तक के कर्मों का फल है। अर्निंग्स पर शेयर तो हर साल का अलग अलग होगा, एम आई राइट? तो ऐसा कहते हैं जिसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो वो अर्निंग्स पर शेयर देखता है, और किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कंपनी का क्या देखता है? एमपीएस। अगर किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है ना तो उसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव कहते हैं, किसी को शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उसके ऊपर भी बाद में आऊंगा मैं, फिलहाल ये समझा। देन अगला के ई, जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब क्या? कि तुम्हारे इक्विटी शेयर होल्डर्स मिनिमम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुमसे, कि उतना तो आपने उनको रिटर्न देना ही चाहिए। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय प्रोवाइडर्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसके ऊपर आगे लेसन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बेसिकली फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो इतना मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये या उससे ज्यादा ही आपको क्या देने उनको? रिटर्न्स, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर ये कैसे निकालते हैं अभी? सो 1 डिवाइडेड बाय PE रेशो, 1 डिवाइडेड बाय PE रेशो मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब ही क्या हो गया? 1 डिवाइडेड बाय MPS अपॉन EPS, EPS अपॉन MPS हो गया फॉर्मूला। मतलब ये अर्निंग सील्ड हो गया। बेसिकली सपोज कंपनी फिलहाल 10 रुपए का दे रही है अर्निंग्स पर शेयर, मार्केट वैल्यू है 100, मतलब उन्होंने एटलीस्ट 10% तो भी देना चाहिए हमें, ऐसा इक्विटी शेयर होल्डर बोलेगा कि कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर कितना है? 10, मार्केट प्राइस 100 है, तो एटलीस्ट हम अर्निंग्स और मार्केट प्राइस को अगर एलिमेंट्स इंक्लूड करते हैं तो 10% तो भी कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना चाहिए मिनिमम रिटर्न, ऐसा उसका रीडिंग हो गया, इंटरप्रिटेशन। सबको समझा? वो तो वही देख रहे हैं ना, कंपनी कितना दे रहा है 10, मार्केट प्राइस कितना है 100, तो एटलीस्ट 10% तो मिलना चाहिए अपने को। कितना मिलना चाहिए? 10%। यस और नो? सबको समझा? पीछे सबको समझा? पक्का? फॉर्मूला लिख लो बस, बाकी तो कुछ नहीं। आखिरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। मुझे एक बात बोलो, सपोज तुम सारे मेरे कंपनी के कौन हो? इक्विटी शेयर होल्डर्स। कौन हो? सब लोग यहाँ पे जाने, तुम सबसे मिलके मुझे 10 लाख रुपए मिले तो टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है मेरे पास? 10 लाख रुपए। कितना है? 10 लाख रुपए। अरे तुम लोगों ने 10 लाख रुपए लगाए मेरे कंपनी में, एम आई राइट? उसके अगेंस्ट में तुमको दे रहा हूं 2 लाख रुपए,
ये 2 लाख रुपए क्या होगा? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, तुम्हारे रिटर्न्स ना, तुम्हारे लिए टोटल रिटर्न्स में कितना अवेलेबल करा के दे रहा हूं एज अ कंपनी? 2 लाख। और तुम लोगों ने कितना पैसा लगाया मेरे पास? कितना हुआ आंसर? फॉर्मूला भी बन गया, ये ESH अपॉन टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल। बेसिकली तुम लोगों को जो भी रिटर्न्स मिलने वाले टोटल, उसको क्या कहते हैं? ESH, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और तुम लोगों को मैं दे रहा हूं 2 लाख रुपए, और तुमने लगाए कितने थे? 10 लाख रुपए। 20% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, कितना? 20%। तो फॉर्मूला क्या बन गया? ये ESH डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल। फिगर्स मत लिखो, फॉर्मूला लिखो। सबको समझा? और एक फॉर्मूला लिखा के दे रहा हूं, ये फिलहाल सर लिख के रखो। जी, जी मतलब ग्रोथ रेट, जी मतलब ग्रोथ रेट। ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, इसको स्मॉल आर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल आर। रिटेंशन रेशो को क्या कहते हैं? बी। तो रिटेंशन रेशो मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आप करते हो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको समझेगा, ग्रोथ रेट मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? ग्रोथ रेट। टोटल कितने फॉर्मूलाज हो गए? 12। इक्वल टू क्या लिखा है ग्रोथ रेट के बाद? बी आर स्मॉल बी इनटू आर। बी क्या था? रिटेंशन रेशो लिखा था ना तुमने ऊपर, और आर क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो थ्योरेटिकली, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके रिटर्न्स में आउट ऑफ दैट कंपनी, वो आपको मिलेगा। टोटल ये 12 फॉर्मूलाज रिलेवेंट है हमको डिविडेंड डिसीजंस लेसन के हिसाब से। क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है यहां तक? आर यू श्योर? पक्का? ग्रेट, थैंक यू।